দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা। সেম টিউন এটা। হ্যাঁ, কে ডাল? ডাল মখলি। ডাল মখলি ডাল। Welcome to Simply Lakshmi's Life. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। और आज है फ्राइडे 4 सितंबर, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज का दिन मैंने कैसे स्पेंड किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह के काम के साथ साथ मैं थोड़ा सा टाइम जो है डाइनिंग टेबल पे स्पेंड करती हूँ। चाय एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अकेले बैठ के पी तो सकते हो, बट उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते हो। औरतें भी उठ जाते हैं, उनको उठ के सबसे पहला काम होता है न्यूज़ देखना। तो आजकल न्यूज़पेपर तो नहीं है, बट मोबाइल से ही काम चलाते हैं। और कृति को मैं इतनी जल्दी नहीं उठाऊंगी क्योंकि वो कल रात बहुत लेट करके सोई थी, तो इसके लिए अभी वो सो रही है तो सोने देते हैं। 8 o'clock उठाऊंगी। और उसके बाद अगर वो लेट करके उठती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, उसको तुरंत मिल्क नहीं देती हूँ, थोड़ा सा हनी वो लेती है, फिर बादाम वगैरह ले लेती है, फिर एक क्लास करना स्टार्ट कर देती है। 1 पीरियड होने के बाद मैं उसको इन-बिट्वीन दे दिया जाता है। हाँ, इन बिटवीन उसको देती हूँ, क्योंकि उठने के बाद तुरंत हम लोगों का ही मन नहीं करता है। हाँ, तो इसके लिए। और जब पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है जब हम लोग रेगुलर रूटीन में आएंगे, पता नहीं क्या होगा तब। जो स्कूल होगा नॉर्मल 6 o'clock उठना पड़ेगा। हाँ सही में, अगर 6 o'clock नहीं उठेगी तो बस मिस हो जाएगा। उसको उठना पड़ेगा 6 o'clock, मतलब उसके साथ हम लोग को नहीं उठना नहीं पड़ेगा। उसको हम लोगों को तो उससे पहले उठना पड़ेगा ना, उससे पहले हम लोगों को उठना पड़ेगा। उसको ही मैं बोली, उसको ही 6 o'clock उठना पड़ेगा। मैं ना सुबह उठ के आराम से बैल्कनी में जाती हूँ, और बैल्कनी में बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने अतनों को बोला चलो बैल्कनी में बैठ के चाय पीते हैं, अतनों बोला दिमाग खराब है क्या, इतना धूप में कौन जाएगा बैठने के लिए। बट इस साइड में ना छाव था, मतलब यहाँ पे धूप था। हाँ, बट उसमें अगर एक ही जन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है धूप में बैठना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम में मॉर्निंग का धूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, और धूप लेना भी चाहिए, पता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जी जो है काट ली है, आज बनेगी कद्दू। और ये जो साग लेके आया था ना, इसके साथ मैं बनाऊंगी, इसको पूरी बोलते हैं। और पोटैटो भी मैंने डाला है, और यहाँ पे है जिमीकंद, तो जिमीकंद, हाँ जिमीकंद, यहाँ पे है जिमीकंद जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और मेरे एक फ्रेंड ने पूछा है कि ये स्पून होल्डर मैंने कहाँ से लिया है, ये मैंने एक्चुअली चुंबक से लिया था। सो बहुत दिन पहले मैंने इसको लिया था चुंबक से, और ये काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा है। ये आपको ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अच्छा है तो चेक कर सकते हो। Try, yeah. Our bodies collide.
और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी लंच जो है रेडी हो गया है। यहाँ पे है कद्दू की सब्जी, ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है, राइस के साथ भी अच्छा लगता है। और ये रहा जिमीकंद की करी और ये आम की चटनी और राइस। राइस एक्चुअली थोड़ा सा पिघल गया था तो मैंने इसको प्लेट में ऐसे बिछा के रखा था ताकि वो ठीक हो जाए। हम लोग बालकनी में बैठे हैं और चाय का मजा ले रहे हैं। आप लोग भी चाय लेके बैठ जाइए हमारे साथ। देखे रूप सागरे मोनेर मानुष काचा सोना, इतना सेम ट्यून है गंध। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ইসকা টিউন বহুত আচ্ছা হ্যায় না, তো চাসে সে নে নে হ্যাঁ তুই তো রবীন্দ্র সঙ্গীত না ওইটা মনে রবীন্দ্র সঙ্গীত হ্যাঁ তুই রবীন্দ্র সঙ্গীত যে রবীন্দ্র সঙ্গীত বহুত বহুত পছন্দ হ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত ইয়া রবীন্দ্র মতলব পোয়েম কুছ ভি বহুত পছন্দ হ্যায়। वैसे तो बचपन से था ही बट कॉलेज में जाने के बाद ज्यादा उसके साथ मतलब जुड़ना हो गया था। बेसिकली मेरा म्यूजिक का कुछ मतलब म्यूजिक सब्जेक्ट मेरा नहीं था बट कभी कभी हम लोग जुटते थे, इसके लिए बहुत कुछ सीखा भी हमने और बहुत अभी तो बहुत मिस करती हूँ सब चीजों को। कृति सो रही थी, देखो उसका चेहरा मतलब सोएगी घर का कोटा भी पूरा। हाँ सोएगी तो उठेगी नहीं और जाएगी तो सोएगी नहीं। हाँ मतलब सुलाओ तो सोना नहीं चाहती है, बस यही है हमारी कृति। कृति को ये पूछा जाता है कि पापा अच्छा खाना बनाते हैं मम्मी अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो ऐसे बोलते दोनों कुछ भी। हाँ डिप्लोमेटिक उसका जवाब रहता है, कुछ भी सवाल उसको हम दोनों के बारे में, पापा अच्छा पापा ज्यादा प्यार करते हैं कि मम्मा ज्यादा प्यार करते हैं, तो बोलते दोनों ज्यादा प्यार करते हैं। उसने कभी भी नहीं बोला है कि पापा के मम्मा दोनों चला। अभी भी बोलती है ना। हाँ अभी तो बड़ी हो गई है ना, अभी तो मतलब उसको पता है कि हाँ दोनों को बोलना है, लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी फिर भी वो बोलती थी। और कृति ने बनाया है टीचर्स डे का कार्ड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कृति शेयर करेगी और कल है टीचर्स डे 5th सितंबर, तो मेरे तरफ से और कृति के तरफ से है ना, हम दोनों की तरफ से हैप्पी 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 टीचर्स डे सारे टीचर को, क्योंकि टीचर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होते हैं हमारे लाइफ में। आज हम लोग जो भी है जहां पर भी है जैसे भी है जितने काबिल है उनके वजह से ही है, तो थैंक यू सो मच मेरे सारे टीचर को जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। आज मैं जो भी हूँ वो बनाने में मुझे मतलब उनका बड़ा बहुत बड़ा हाथ है। एक बच्चे के लिए उसका मम्मी पापा सबसे पहला टीचर होता है, क्योंकि बच्चे का जो शिक्षा होता है वो घर से स्टार्ट होता है। सो एवरी मदर को भी हैप्पी टीचर्स डे एवरी पेरेंट्स को। और सबसे अच्छी बात ना मुझे टीचर्स डे में बहुत याद आती है कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे हमारे स्कूल में, कितनी मस्ती होती थी। और कुछ कुछ टीचर ऐसे हैं जो अभी तक मेरे लाइफ में बहुत याद आते हैं, बहुत फेवरेट थे मेरे कुछ कुछ टीचर, तो मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ। और होता है ना कोई कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे इफेक्ट करते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे रह जाते हैं कि आप कभी उसको भूल नहीं पाते हो। सो वही कुछ टीचर है जो मुझे बहुत याद आते हैं। लाइफ के सबसे सबसे अच्छा टाइम शायद स्टूडेंट लाइफ ही होगा, मतलब स्टूडेंट पीरियड जो होता है वही होगा।
मुझे तो बहुत याद आती है। और एक बात के टीचर्स को रिस्पेक्ट करने की, जो मतलब टीचर को कितना अच्छा लगता है, ये मुझे समझ में तब आया जब मैंने खुद रियलाइज किया, क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं हमारे वहाँ पे स्कूल में ज्वाइन की थी, तो स्कूल में पढ़ाती थी और साथ में बहुत सारे बच्चों को मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। तो सारे बच्चे मुझे टीचर्स डे के दिन कार्ड देना, गिफ्ट बनाना, अपने हाथों से DIY बनाना, तो वो सब करके मेरे लिए लेके आती थी और वो मुझे इतनी खुशी देती थी। वो चीज शायद मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। चलिए देख लेते हैं अभी कृति ने क्या कार्ड बनाया। आप दिखाओ कि आपने क्या कार्ड बनाया है। तो उसमें से ये ऑलरेडी बना हुआ था, है ना? हाँ। अंदर का उसने ड्रॉइंग किया है हैप्पी टीचर्स डे, और उसने एक फ्लावर बनाया है, स्टिकर। तो ये तो बना हुआ है सामने का, और एक उसने बनाया है खुद से ये वाला। ये जो है ना, ये दाल से बना हुआ है। ये है मसूर दाल, मूंग की दाल, और ये कृति का फेवरेट। हाँ, क्या दाल? दाल मखनी। दाल मखनी दाल। और ये उसने फ्लावर बनाया है। अभी अभी जस्ट मैंने दिया किया है और अभी शाम हो चुकी है। कृति वो आ गई इस रूम पे। ये रही कृति। हाँ। और कृति ने पहन लिया है अपना फेवरेट ड्रेस। हाँ। ओके, तो चलिए आज का ये जो ब्लॉग है इसको हम लोग यही पेंट करेंगे। आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी सेफ। Try, yeah. Our bodies collide.